नमस्कार दोस्तों, टेक्सटार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नोकिया एक्स के बारे में और नोकिया X6 के बारे में, जो कि उसकी लॉन्चिंग डेट बताने वाला हूँ, क्या है उसके स्पेसिफिकेशंस, और मेरे ओपिनियंस देने वाला हूँ कैसा होगा ये फ़ोन, और इसकी प्राइस जो कि अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो कि मुझे क्या लगता है क्या हो सकती है इसकी प्राइस दोस्तों। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहले आते हैं हम रैम और इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने मिल जाएंगे, एक 4GB रैम वाला और उसके साथ होगा 64GB की इंटरनल स्टोरेज दोस्तों, और दूसरा वेरियंट होगा जो कि होगा 6GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज होगी दोस्तों। ये आते हैं इसके स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन होगी इसकी 5.5 इंच की, और एक्सपेक्ट रेशियो अराउंड है 19:9 का, फुल HD वाला डिस्प्ले होगा इसमें, और ऊपर की तरफ आपको ये नॉच भी देखने मिल जाएगा ये मोबाइल में, नॉच जो कि कंपनी की तरफ से कंफर्म हो गया है ये मोबाइल में। और दोस्तों, इसका डिस्प्ले होगा साइड में से फुल तो बेजललेस होगा, ऊपर की तरफ आपको नॉच देखने मिल जाएगी, और नीचे होगा नोकिया की ब्रांडिंग होगी दोस्तों। अभी इसके प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो प्रोसेसर में आपको देखने मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर है इस मोबाइल में। तो फिर मीडियाटेक का P60 यहाँ पर शायद से होगा, कंपनी की तरफ से अभी भी ये कंफर्म नहीं किया है मीडियाटेक का होगा या फिर स्नैपड्रैगन का ये लोग डालने वाले प्रोसेसर। अभी मैं इसके कैमरा की बात करूँ तो कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने मिल जाएंगे ड्यूअल कैमरा, और अभी तक मेगापिक्सल्स कंफर्म नहीं किए हैं कंपनी ने, तो मेरे हिसाब से कहाँ तो 12 या तो 16 मेगापिक्सल आना चाहिए इसका कैमरा। और ड्यूअल कैमरा के नीचे आपको देखने मिलेगी फ्लैशलाइट, और फ्लैशलाइट के नीचे होगा फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोस्तों, और फिंगरप्रिंट सेंसर के नीचे होगा नोकिया की ब्रांडिंग। ये हो गई पीछे की बॉडी इसकी दोस्तों। और अभी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा एंड्रॉयड 8.1, जो कि हमारा लेटेस्ट ओरियो का वर्जन है। बहुत ही अच्छी बात है कि नोकिया भी देने लगा है 8.1 दे रहा है, जो कि आज अभी भी बहुत सारी ब्रांड है जो कि अभी भी हमें नहीं दे रही है ओरियो का अपडेट। तो अभी हम आते हैं मेरे ओपिनियन के ऊपर और इसकी प्राइस के ऊपर मैं आता हूँ दोस्तों। तो करीब करीब 4GB रैम वाला और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस अराउंड होनी चाहिए दोस्तों 12,000 से 13,000 होनी चाहिए दोस्तों, और जो कि नॉच भी इन लोग ने लगाई है तो 15,000 तक हम पकड़ सकते हैं इसकी प्राइस को, और 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज है तो हम ले सकते हैं कुछ 20,000 तक भी ये जा सकता है, तो 15-20,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी प्राइस। तो दोस्तों, स्नैपड्रैगन कुछ थोड़ा कम लगा दिया है प्रोसेसर, वो तो देखने की चीज़ है, लेकिन अभी देखे तो मोबाइल काफ़ी अच्छा है, और इसमें कलर आपको देखने मिल जाएगा, एक ब्लैक वाला वेरिएंट आएगा और फिर एक वाइट वाला वेरिएंट आने वाला है इसमें। तो अभी सभी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी है, कैमरा की क्या मेगापिक्सल्स आते हैं, और जो कि फ्रंट कैमरा है उसके भी मेगापिक्सल्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, और लॉन्चिंग डेट इसकी जो कि है इंडिया में लॉन्च होने वाला है करीब करीब 16 मई को लॉन्च करने वाला है नोकिया इंडिया में। तो देखते हैं लॉन्च होने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है सामने और क्या इसकी प्राइस होती है। प्राइस अगर कम रखे तो अभी बहुत अच्छा है, और क्योंकि स्नैपड्रैगन कुछ इन लोग ने इतना ज़्यादा प्रोसेसर लगाया नहीं है, और कहाँ तो ये मीडियाटेक भी लगा सकती है, अभी भी कंफर्म नहीं बताया उन लोग ने प्रोसेसर के बारे में। तो अगर प्राइस रेंज अच्छी हुई तो ये बेस्ट मिड रेंजर फ़ोन भी हो सकता है हमारे 2018 का, और 5.5 इंच का डिस्प्ले भी है अच्छा, और नॉच भी दे रहे हैं ये लोग साथ में, तो कहीं प्राइस रेंज थोड़ी कम रख दे नोकिया तो बहुत ही अच्छा ये फ़ोन हो जाएगा। वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और रेड कलर के वो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना, और फिर बेल के आइकॉन को भी दबा देना, और मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं ये फ़ोन के बारे में। और दोस्तों, आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना दोस्तों। मैं आपको बहुत जल्द एक टेकी फ्रेश वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।